तो प्रोफेसर, जितने भी आपके स्टाफ के बच्चे हैं सब आते हैं जब मीटिंग होती है, तो हम सब इकट्ठे बैठे होते हैं, तो बच्चे सवाल करते हैं कि ऐसा सवाल जो है ज्योतिषगण करते हैं, तो आप जरूर बताइए इसका आधार क्या है, लॉजिक क्या है। तो मैं उसी लॉजिक के साथ आपसे ये बातें पूछ रही हूँ, और आप बड़े आधार के साथ, बड़े लॉजिक के साथ ये बातें हमें बता रही हैं। जो अंधविश्वास है ज्योतिष के ऊपर वो आज उठ रहा है। तो प्रोफेसर, आजकल बच्चे क्या करते हैं, बाथरूम गए, नहाने के लिए गए, वॉशरूम गए, साथ में मोबाइल ले जाते हैं। एक तो बाथरूम राहु, एक जो मोबाइल है हमारा वो भी राहु, क्या इससे राहु और ज्यादा खराब हो जाता है? शिफाली जी, बहुत अच्छा पूछा आपने कि बाथरूम में मोबाइल लेके जाना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उससे होता क्या है? जी शिफाली जी, अगर मैंने तो पहले एपिसोड में बताया था, आज से अगर मैं 200 एपिसोड पीछे ले जाऊं, तो आपको मैंने बारीकी में बताया था बच्चों से मोबाइल दूर रखना चाहिए और रात को मोबाइल बंद रखना चाहिए, ताकि जो राहु है आपका खराब होता है। राहु होता है तो राहु को कहीं भी लेके जाओ, चाहे खाना खा रहे हो तो राहु को लेकर आप खाना खा रहे हो तब भी खराब है जी। आपके खाने में राहु की प्रकृति आएगी। आप जब फ्लश में जाए हो, बैठे हुए हो तो देख रहे हो, तो उससे आपका पेट साफ नहीं होगा जी। पेट सूर्य होता है और जो मोबाइल है वो राहु होता है, तो राहु पेट को अच्छे ढंग से साफ नहीं होने देता, बीमारी बढ़ती है। ना कि राहु खराब हो गया, ना कि सूर्य खराब हो गया, ना कि चंद्र खराब हो गया जी। लॉजिक ये है कि पेट के साथ संबंधित होता है। पेट हमारा सूर्य होता है, जो पेट होता है, पेट की अंतड़ियां जो हजम करती हैं, जो खाना हमने खाया होता है वो प्रेशर के साथ बाहर आना चाहिए। जब हम राहु देख रहे होते हैं उससे हमारा सूर्य ग्रह खराब हो जाता है, तब भी इसलिए पेट की बीमारियां आती है। तो उसको कभी भी आप खाते वक्त और बाथरूम के वक्त और कोई भी काम अगर कर रहे हो, पढ़ रहे हो, उसके वक्त राहु देव साथ में नहीं होने चाहिए। अगर बुध के साथ राहु आ जाएगा पढ़ाई के वक्त, तो कोई काम कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, तो राहु आ जाएगा तो दिमाग घूमेगा आपका। अगर आप कोई पढ़ाई विद्या कर रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, तो राहु छोड़ रखे तब भी आपका ध्यान नहीं लगेगा कि उसको वो ओहो उसने क्या बोल दिया, राहु के साथ गुरु आ जाएगा, गुरु चुप कर जाएगा, राहु ही अकेला बोलता रहेगा। इसलिए कभी भी मोबाइल को किसी भी काम पे नहीं रखना चाहिए। आज मैंने आपको आधार के साथ ये चीज बताई कि ये चीज करने से ऐसा होता है, ना कि राहु खराब होने, क्या राहु खराब हो गया चलो बताओ मुझे, ऐसा कुछ नहीं। राहु पहले से खराब होता है तो राहु और खराब क्या हो जाएगा। तो प्रोफेसर, ये होता है ना कि जैसे कि राहु खराब हो गया तो कह देते हैं कि बच्चा शॉर्टकट तरीके से चीजें करने लग जाता है। तो प्रोफेसर, आप कैसे बोलोगे कि बच्चों से हम मोबाइल दूर कर लें, क्योंकि आजकल तो स्कूलों में भी ये है, जो होमवर्क है वो भी आजकल मोबाइल पे आता है, तो कैसे बच्चों से दूर करें हम मोबाइल? शेफाली जी, जिस वक्त मोबाइल नहीं थे जी, क्या उस वक्त पढ़ाई नहीं होती थी, ज्यादा होती थी? आज मोबाइल आने से पढ़ाई कम हो गई है कि ज़्यादा हो गई है, ये सिर्फ आपके बच्चों का या आपका है या हमारे बच्चों का वहम है कि हम मोबाइल के ऊपर देखेंगे पढ़ाई हमारी अच्छे ढंग से होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मोबाइल के ऊपर पढ़ाई करते हैं या कुछ करते हैं वो हमेशा ही पीछे रह जाते हैं। जो बच्चे मोबाइल को दूर रख के पढ़ाई करते हैं वो हमेशा आगे निकलते हैं। हाँ, अगर मोबाइल में हमारी अच्छी जानकारी है या हमें कुछ शिक्षा मिल रही है या कोई धार्मिक ग्रंथ का चल रहा है, कोई पन्ने चल रहे हैं, कोई धार्मिक चीज़ें सुन रहे हो या फिर कोई काम की चीज़ पढ़ रहे हो, तो उसके साथ पढ़ना नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही काम करना चाहिए। अगर आप उस वक्त सुन रहे हो तो सुनना चाहिए, अगर आप उस वक्त पढ़ रहे हो तो पढ़ना चाहिए, मोबाइल को दूर रखना चाहिए। अगर ऐसे करते हो तो बच्चा आपका बहुत ज़्यादा कामयाब होता है, अच्छे नंबर लेके पास होता है। मोबाइल को जितना दूर रखोगे, मैंने अभी भी बताया आपको, बुध के साथ रखोगे तो दिमाग घूमेगा, पढ़ाई के साथ गुरु के साथ रखोगे तो गुरु चुप हो जाएगा, पढ़ाई अच्छे ढंग से नहीं होगी। अगर पेट साफ कोई खाना खा रहे हो तब भी आपका सूर्यदेव खराब हो जाएगा, अगर बाथरूम में गए हो तब भी सूर्यदेव ग्रह खराब होगा। तो ये चीज़ें से राहुदेव तो पहले से ही खराब होते हैं, किसी के राहु अच्छे नहीं होते। राहुदेव किसके अच्छे होते हैं जी? राहुदेव किसके अच्छे होते हैं जी? राहुदेव उसके अच्छे होते हैं जिसका शुक्र ग्रह अच्छा होता है। क्या बात, नहीं तो राहुदेव कभी अच्छे नहीं होते जी। राहु शुक्र का चेला है, राहु शुक्र देव का चेला है। राहु तभी अच्छे होंगे अगर शुक्र अच्छा होगा। तो शुक्र कैसे अच्छा होता है जी? अगर आप अपनी साफ सफाई रखते हो, देखिए जब शनि अच्छा होगा, जब शनि अच्छा होगा तब भी शुक्र अच्छा होगा। जब अच्छे ढंग से आपने मैनेज करते हो, आप चीज को वहां पे से लेकर वहां पर रखते हो, जब अपनी हर चीज का ध्यान देते हो तो आपका शुक्र ग्रह अच्छा है। कपड़े साफ रखते हो, हर चीज अपनी जहाँ जहाँ पर टिकाते वो पड़ी हुई है, कहीं भी खलारा नहीं है, कहीं भी कचरा नहीं रखा, तो आपका शुक्रदेव अच्छा है, तो शनि अच्छा है, तो जी पंचुअल है जाने से, तो राहु भी अच्छे हो जाएंगे जी बिल्कुल। तो इसलिए राहुदेव पूरी दुनिया 98% लोगों के खराब होते हैं, वो इसलिए खराब होते हैं कोई मैनेज करता ही नहीं। तो प्रोफेसर, जब बच्चे जब स्टडी करें
तो कौन से कौन में बिठाएं हम उनको कि ताकि उनका ध्यान जो है वो डाइवर्ट ना हो? शेफाली जी, बच्चे जब स्टडी करते हैं तो उसको कौन से कौन में बैठाना चाहिए? वैसे तो नॉर्थ ईस्ट का कौन अच्छा होता है, अच्छे ढंग से पढ़ते हैं वो, तो अगर उनको दिमाग चलाना चाहते हो साथ के साथ, फिर नॉर्थ वेस्ट का कौन बहुत अच्छा होता है जी। अगर बच्चे को इंटेलिजेंट बनाना चाहते हो तो फिर नॉर्थ का कौन उससे भी अच्छा होता है, अकेला नॉर्थ का कौन जी। अगर बच्चे को कहते हो कि उसका मन भी लगे, ध्यान भी लगे उसका पढ़ाई की ओर, एकाग्रचित रहे, तो ईस्ट की ओर भी आप उसका पढ़ाई में मन लगता है, थोड़ा सा बच्चा जल्दी जल्दी से पढ़ता है और कामयाब होता है जी। तो ये कौन का बहुत बड़ा महत्व है। तो अगर कौन को नहीं पता आपके बारे में तो फेस तो पता ना, आपका फेस कहाँ है। जैसे मैं बैठा हूँ तो मेरा फेस ईस्ट की ओर से है, अगर मैं आपकी ओर देखता हूँ तो मेरा फेस नॉर्थ की ओर है, क्योंकि हमारा जो ऑफिस है वो ईस्ट की ओर से है, तो नॉर्थ की ओर से है। तो इसलिए जो इंसान नॉर्थ में बैठता है, नॉर्थ की ओर फेस करके बैठता है या नॉर्थ में बैठता है, भगवान उसका दिमाग चलाता है खुद पे खुद। नॉर्थ बुद्ध का स्थान होता है, बुद्धि अपने आप सही जगह पे लेके जाएगी आपको। प्रोफेसर, आप भी न्यूमरोलॉजी करते हैं, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे ज्योतिष हैं वो ये कहते हैं कि आप यहाँ पे ये नंबर लिख लीजिए, यहाँ पे ये नंबर लिख लीजिए, यहाँ पे ये नंबर लिख लीजिए। हालांकि वो इस बार अगर हम कहें तो इस बार वो कह रहे हैं कि यहाँ पे शुक्र पर्वत के ऊपर आप 897 नंबर लिख लीजिए। तो आप भी बताते हैं जब जिस नंबर की कमी होती है, जब आपसे कोई न्यूमरोलॉजी करता है तो आप भी ऐसा बताते हैं कि इस पर्वत के नीचे आप 5 नंबर बना लीजिए, इस पर्वत के नीचे आप 3 नंबर बना लीजिए। लेकिन यहाँ पर क्या 897 इसका कोई लॉजिक है या कुछ आप बताएंगे कि यहाँ पे कौन सा नंबर बनाएं ताकि इंस्टेंट मनी आए? जी शेफाली जी, पहले ये समझिए जी, 897 का पूरा क्या बनता है जी? 6 अंक। 6 अंक बनता है जी। और जिसको जिसके पास पहले से 3 8 हो वो क्या करेगा? वो खराब है। किसको खराब करेगा जी? पिता के लिए खराब है। वेरी गुड। जिसके पास पहले से 7 3 है तो और क्या, जब 2 7 है तो तीसरा 7 क्या करेगा जी? तड़पाएगा, धोखे दिलाएगा। वेरी गुड जी। और जिसके पास पहले से ही 9 बहुत ज्यादा है, 3 9 है, 99 का जन्म है, तो वो 9 लिखेगा तो क्या होगा? गुस्सा बढ़ाएगा और कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। देखिए मैं भी लिखवाता हूँ, जिसके पास 2 की कमी होती है और 4 की कमी होती है, मैं लिखाता हूँ जिसके पास जो अंक की कमी होती है, अगर उसके पास 6 भी नहीं है तो वो अंक को पूरा करने के लिए, जैसे 2 की अंक की कमी, 4 की अंक की कमी, 6 अंक की कमी है, तो 6 आप शुक्र पर्वत के ऊपर 2 और 4 लिख लीजिए। अगर आपके पास 1 नंबर की कमी है और 5 नंबर की कमी है, 6 नंबर की कमी है, तो आप 1 और 5 लिख कर टोटल 6 बन सकते हैं। पूरी दुनिया के लिए नहीं है भाई, 1 नंबर पूरी दुनिया के लिए नहीं है। ज्योतिष को पखंड मत समझो, लोगों को कैसे समझाऊं, कई दफा तो मेरे को ऐसा लगता है, या तो कई दफा लोग कहते हैं आप उल्ट क्यों चलते हो, अरे मैं समझाता हूँ लॉजिक के साथ आपको, आप समझने की कोशिश ही नहीं करते कि ज्योतिष को पखंड समझ रखा है। एक ही चीज कैसे हर इंसान के ऊपर लागू होगी जी, जब इंसान की अंगूठे की छाप एक जैसी नहीं है, जब हर एक इंसान की डेट ऑफ बर्थ नहीं है सही, हर एक इंसान की राशि एक जैसी नहीं है, हर एक इंसान का नक्षत्र एक जैसा नहीं है, तो एक जैसी चीजें दूसरे के ऊपर कैसे लागू होगी, कैसे वो उसके ऊपर भी अच्छी होंगी? नहीं होंगी। तो ये कैसे समझाया जाए दुनिया को, कैसे बताया जाए चीजों के बारे में, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि कैसे ज्योतिष करते हैं। इसके बारे में आपको सबको पता चल ही गया होगा कि लिखना सही है या गलत। प्रोफेसर, आज आपने बहुत सारी बातों के ऊपर हमें ऐसे ऐसे समस्याओं का समाधान दे दिया कि ऐसे ही नहीं हर ज्योतिष के ऊपर विश्वास किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो नंबर है आप ऑलरेडी वही नंबर यूज़ कर रहे हैं तब भी खराब है। अभी प्रोफेसर ने बताया कि जो नारियल पानी है वो अंदर से चंद्र होता है। तो बहुत सारी बातों का ज्ञान जो है आपको इसी एपिसोड के जरिए मिलेगा, सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। यानी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम जल्दी अगले एपिसोड में मिलेंगे, फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।